हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्रिंस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या और पोल्यूशन, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक दिन इंसान को ख़त्म कर देगी। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से रहने के लिए ज़मीन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से जंगलों की कटाई हो रही है और वहाँ पर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इससे इंसान आज तो आराम से रह लेंगे, लेकिन एक दिन सभी जंगलों के ख़त्म होने की वजह से उसका अंत निश्चित है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नासा और स्पेस एक्स जैसी स्पेस एजेंसीज और कंपनीज इंसान को मार्स और इस जैसे बाकी प्लैनेट्स पर बसाने की सोच रही है। लेकिन दोस्तों, क्या इंसान को किसी और प्लैनेट पर बसाना संभव है? क्या इंसान को किसी दूसरे प्लेनेट पर इतनी आसानी से बसाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, नासा को अपना एक नॉर्मल सैटेलाइट ही अर्थ के आउटर स्पेस में लॉन्च करने के लिए लगभग $400 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्च आ जाता है, और किसी इंसान को अर्थ से इतनी दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर बसाना और वहाँ पर इंसान के रहने लायक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, इसमें अरबों और खरबों डॉलर्स का खर्च आने वाला है। और वैसे भी दोस्तों, अभी हमारे पास इतनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि किसी इंसान को किसी दूसरे प्लेनेट के इतने कठिन एनवायरनमेंट में ज़िंदा रख पाए। तो दोस्तों, अगर इंसान स्पेस में नहीं रह सकता और अर्थ को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर भविष्य में इंसान रहेगा कहाँ पर। तो दोस्तों, आज के साइंटिस्ट इंसान के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कि वो खुद को फ्यूचर में सेफली कहाँ पर रख सके, एक बार फिर से अर्थ की तरफ ही देख रहे हैं। अगर हम अर्थ को स्पेस से देखें तो हमें अर्थ के ज़मीनी भाग से ज़्यादा अर्थ का समुद्री भाग नज़र आता है, क्योंकि अर्थ पर लगभग 71% हिस्सा समंदर यानी पानी से ही ढका हुआ है। और इसी बात को देखते हुए कुछ साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि जब तक इंसान को स्पेस में बसाने लायक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक हम क्यों ना इंसान को समंदरों के अंदर ही रख सकें, क्योंकि वैसे भी हमारे पास सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी तो पहले से ही मौजूद है, जिसमें हमारे सोल्जर बिना किसी बाहरी हेल्प से 6-6 महीने तक समंदर के गहरे पानी में भी रह लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं उन रीजंस के बारे में जो रीज़न ये इशारा करते हैं कि फ्यूचर का इंसान स्पेस में नहीं बल्कि समंदर के अंदर रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले कारण है समंदर के अंदर कॉलोनाइजेशन के स्पेस कॉलोनाइजेशन से बेहतर होने का, वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम इंसानों को स्पेस में किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है और नई नई रिसर्चेस पर पैसा खर्च करना पड़ता है, और बाद में उसकी टेस्टिंग के बाद भी उसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं जिसमें बहुत से पैसा की लागत होती है। वहीं दोस्तों, हमारे पास सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि गहरे से गहरे पानी में भी आराम से टहलती है। दोस्तों, आज की सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसमें बैठे सोल्जर्स बिना किसी बाहरी मदद से गहरे पानी का प्रेशर झेलते हुए 6-6 महीने से भी ज़्यादा आराम से रह लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई रिसर्चेस पर ज़्यादा पैसा लगाने की बजाय अगर हम आज हमारे पास पहले से ही मौजूद टेक्नोलॉजी को और विकसित और एडवांस करें, तो इंसान को पानी के अंदर यानी समंदर में बिना किसी दिक्कत के रखा जा सकता है और पानी के अंदर यानी सी कॉलोनाइजेशन भी की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है खाना और पानी। दोस्तों, खाना और पानी ये इंसान के सबसे बेसिक नीड्स हैं, जिसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकते। और दोस्तों, स्पेस में खाना तो बहुत दूर की बात, वहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है जो कि इंसानों को ज़िंदा रख पाए। और इसी बात को सामने रखते हुए आज कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हम तो जहाँ इंसानों को पानी के अंदर रखने की ही बात कर रहे हैं,
आज इंसान दूसरे ग्रहों पर पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कोई खास कामयाबी नहीं लगी है। और रही बात समंदर के अंदर पीने के पानी और खाने के ज़रूरत को पूरा करने की, तो दोस्तों हमारे पास समंदर के पानी को पीने लायक बनाने की टेक्नोलॉजी भी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि दुबई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनके पास पीने के पानी की बहुत ही कमी है, वो अपने पीने के लिए समंदर के पानी को ही फिल्टर करके यूज़ करती है। और रही बात समंदर के अंदर खाने की, तो दोस्तों समंदर के अंदर नॉन वेजिटेरियन लोगों को खाने की कोई कमी नहीं होने वाली। तीसरा कारण दोस्तों ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसके बिना किसी भी उन्नत सभ्यता की कल्पना करना ही मुश्किल है। और हम इंसान जिस एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली। दोस्तों पृथ्वी पर हम इंसान इलेक्ट्रिसिटी को बहुत से तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, समंदर के हाई टाइड और लो टाइड से, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है समंदर के अंदर रहने वाले लोगों की एनर्जी की पूर्ति करने के लिए। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें मार्स पर एनर्जी की मांग को पूरा करने की, तो वहां पर सिर्फ एक ही तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, जो कि है सोलर एनर्जी। और दोस्तों मार्स पर जो सोलर एनर्जी पहुंचती है, यानी मार्स पर जो सूरज से सनलाइट पहुंचती है, वो अर्थ के मुकाबले लगभग 50% से भी कम तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां पर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो पाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है मार्स पर कॉलोनाइजेशन के डिफ़िकल्ट होने का। दोस्तों फोर्थ और लास्ट कारण है सेफ्टी। दोस्तों जब मार्स अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उसका अर्थ से डिस्टेंस लगभग 56.6 मिलियन किलोमीटर होता है, जिसको अगर नासा के सबसे तेज रॉकेट से भी पार करने की कोशिश की जाए तो कम से कम 6 महीने तक का समय लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मार्स पर रह रहे लोगों को किसी एक्सट्रीम कंडीशंस में एमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो अर्थ से मार्स तक उस हेल्प को पहुंचने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा। और इतने समय बाद किसी एमरजेंसी हेल्प का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों वहीं अगर समंदर के अंदर किसी एमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो धरती पर ऐसे बहुत से एडवांस व्हीकल मौजूद हैं जो 300 किलोमीटर की स्पीड तक भी पहुंच जाते हैं। और वैसे भी ज़मीन से समंदर के अंदर एमरजेंसी हेल्प को कम से कम समय तक पहुँचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ रीजंस ही बताए हैं जो कि साइंटिस्ट के ब्लॉग में मौजूद थे। वहाँ पर और भी बहुत से रीजन थे जिसके बारे में हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट के उस ब्लॉग में किसी भी डिसएडवांटेज की बात नहीं की गई थी, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में खुद से बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता। अगर किसी काम में इंसान का फायदा हो रहा है तो बस उस काम को कर देता है और किसी दूसरे का नुकसान नहीं देखता। और बिल्कुल यही उसने किया है हमारी अर्थ के साथ, जिसका एक उदाहरण है हमारी अर्थ पर बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। और तो और दोस्तों आज इंसान ने अर्थ के आउटर स्पेस को भी नहीं छोड़ा और उसने उसे भी स्पेस डेबरी से भर दिया है। दोस्तों आज इंसान ने जहाँ पर भी कदम रखा है उस एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी तहस नहस कर दिया है और अपने हिसाब से चेंज कर दिया है। और ऐसे ही अगर इंसान आज पानी के अंदर भी रहने के लिए कदम रख दे, तो इंसान पानी के अंदर के एनवायरनमेंट को भी अपने हिसाब से बदल कर रख देगा, जिसकी वजह से पानी के अंदर बायो लाइफ बहुत हद तक प्रभावित होगी और पानी के अंदर का जीवन चक्र भी नष्ट हो जाएगा और इंसान उसको भी अपने मतलब की वजह से ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों मैं तो इंसान के समंदर के अंदर रहने वाले इस प्लान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ
और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए